दिखाते हैं कि संगम तट पर प्रधानमंत्री आज पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे। संगम तट पर पीएम मोदी ने पूजा पाठ किया। मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पीएम मोदी ने आचमन और संकल्प लेकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त प्रयागराज की देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ गंगा आरती की, पूजा अर्चना की और साधु संतों के साथ उन्होंने पूजा पाठ में शामिल वो हुए। और इस मौके पर राम नाईक, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पूजा आरती करने के बाद पीएम मोदी ने कुंभ के लिए किए गए कामों का जायजा भी लिया। यूपी सरकार इस साल भव्य तरीके से कुंभ का आयोजन करने जा रही है। कुंभ मेले का आगाज अगले महीने मकर संक्रांति से शुरू हो जाएगा। देश विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने भी लगे हैं। 2019 चुनाव से पहले हो रहे इस कुंभ पर सियासतदानों की भी नजर है, क्योंकि कुंभ से साधु संतों का वहां पर जमावड़ा लगेगा और इस जमावड़े के जरिए राम मंदिर की भी सियासत गरमा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो इस संगम तट की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले रायबरेली पहुंचे, उसके बाद प्रयागराज का रुख किया और प्रयागराज में करीब 1,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कुंभ को लेकर हो रहे कामों का जायजा लिया। राम नाईक और राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी इस वक्त आपको तस्वीरों में साथ नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ में शामिल हुए। संगम तट पर पीएम मोदी ने पूजा पाठ किया। मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पीएम मोदी ने आचमन और संकल्प लेकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त प्रयागराज की देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ गंगा आरती की, पूजा अर्चना की और साधु संतों के साथ उन्होंने पूजा पाठ में शामिल वो हुए। और इस मौके पर राम नाईक, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पूजा आरती करने के बाद पीएम मोदी ने कुंभ के लिए किए गए कामों का जायजा भी लिया। यूपी सरकार इस साल भव्य तरीके से कुंभ का आयोजन करने जा रही है। कुंभ मेले का आगाज अगले महीने मकर संक्रांति से शुरू हो जाएगा। देश विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने भी लगे हैं। 2019 चुनाव से पहले हो रहे इस कुंभ पर सियासतदानों की भी नजर है, क्योंकि कुंभ से साधु संतों का वहां पर जमावड़ा लगेगा और इस जमावड़े के जरिए राम मंदिर की भी सियासत गरमा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो इस संगम तट की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले रायबरेली पहुंचे, उसके बाद प्रयागराज का रुख किया और प्रयागराज में करीब 1,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कुंभ को लेकर हो रहे कामों का जायजा लिया। राम नाईक और राज्यपाल राम नाईक और सीएम योगी इस वक्त आपको तस्वीरों में साथ नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ में शामिल हुए। Yes.
पुष्पं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्, भूलिये हाथ जोड़िए।